दीपावली के बाद बीते 7 सालों में सबसे ज़्यादा साफ रही हवा। आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या हुआ इस बार ऐसा अलग जो ऐसा हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मोक्ष में। चैनल बने हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूट पाए। अनुकूल मौसमी दिशाओं का असर दीपावली के अगले दिन हवा पर दिखाई दे रहा था। देर रात तक आतिशबाजी के बावजूद हवा बीते 7 साल में सबसे साफ रही। वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब स्तर का दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक दीपावली की शाम से मंगलवार दोपहर बाद 4 बजे तक औसत सूचकांक 312 रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि मौसमी दशाओं के साथ देर तक बारिश होना व दीपावली का पहले आना भी इसके साफ होने की एक वजह हो सकती है। पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिनों तक हवा की गुणवत्ता बिगड़ने का अंदेशा भी नहीं है। केंद्र की वायु मानक संस्था के मुताबिक दीपावली के अवसर पर हुई आतिशबाजी का खास असर हवा की गुणवत्ता पर नहीं पड़ा है। मध्यम रफ्तार से हवा चलने की वजह से प्रदूषण जमे नहीं है। बीते 24 घंटे में 2.5 माइक्रोमीटर से बड़े कणों की PM10 में 5 से 6% हिस्सेदारी रही। PM10 का स्तर 291 व PM2.5 का स्तर 184 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा। अभी पराली के धुएं की प्रदूषण में मामूली हिस्सेदारी दर्ज हो रही है। सफर का पूर्वानुमान है कि अगले 3 दिनों तक हवा की गुणवत्ता में अधिक बदलाव की संभावना नहीं है। ऐसे में हवा की गुणवत्ता खराब से लेकर बेहद खराब श्रेणी में बनी रहेगी। वहीं ऐसा भी कहना है कि मंगलवार हवा की दिशा उत्तर पश्चिम थी। इसकी चाल 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा तक दर्ज की गई। मानक 1 किमी की जगह मिक्सिंग हाइट 1700 मीटर रही, जबकि वेंटिलेशन इंडेक्स 6000 वर्ग मीटर प्रति सेकंड से 2 गुना से भी ज्यादा रहा। हवा की चाल होगी कम। दीपावली के अगले दिन 3 बार गंभीर रही हवा की गुणवत्ता। जी हां, इससे ये बताया जा रहा है कि दिल्ली NCR का XUI 302, फरीदाबाद का 289, गाजियाबाद का 266, ग्रेटर नोएडा का 272, गुड़गांव का 292, नोएडा का 299। यह है दिल्ली NCR का AQI। खास बात यह है कि इस बार ये बताया जा रहा है कि दिवाली पर जो भी आतिशबाजी हुई है, यानी कि जो भी ढेरों सारे पटाखे फोड़े गए हैं, इससे प्रदूषण पर कुछ ज्यादा खास असर नहीं पड़ने वाला है। ऐसी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए तुरंत अपने चैनल मोक्ष को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूट पाए।